नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। देश में पहली बार कोविड-19 से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से अधिक हुई। ठीक होने की दर बढ़कर 48.88%। दिल्ली के अस्पतालों को बिस्तरों की उपलब्धता और चिकित्सा खर्च का ब्यौरा एलईडी बोर्ड पर दर्शाने का निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघजन आग की दुर्घटना से निपटने के लिए असम के मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मालदीव में फंसे 200 प्रवासी भारतीय आज स्वदेश पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड सरकार के साथ केदारनाथ मठ विकास और पुनर्निर्माण परियोजना की समीक्षा की। और श्रीलंका में संसदीय चुनाव अब 5 अगस्त को होंगे। समाचार संध्या में अपने सहयोगी रवि कपूर के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। सरकार ने कहा है कि देश में पहली बार कोविड-19 महामारी के संक्रमण से स्वस्थ हुए लोगों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से ज्यादा हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि अभी तक 1,35,205 रोगी ठीक हो चुके हैं और कोरोना वायरस से संक्रमित 1,33,632 लोगों का इलाज चल रहा है। स्वस्थ होने की दर बढ़कर 48.88% पर पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कम से कम 5,991 रोगी स्वस्थ हुए हैं। मंत्रालय ने कहा है कि 6 शहरों में कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा के लिए नगर पालिका स्वास्थ्य अधिकारियों और राज्य स्वास्थ्य विभागों के साथ समीक्षा की जा रही है। इसके लिए केंद्रीय दल तैनात किए जा रहे हैं जो उन्हें तकनीक सहयोग उपलब्ध कराएंगे। ये शहर हैं मुंबई, अहमदाबाद, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली और बेंगलुरु। केंद्रीय दल अगले एक सप्ताह में इन शहरों का दौरा करेंगे और कोविड-19 से निपटने के उपायों की समीक्षा करेंगे। ये दल प्रतिदिन राज्य स्वास्थ्य विभाग और केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ये दल किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में सूचित करेंगे और अपना दौरा समाप्त करने से पहले सुझाव देंगे। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने मुख्य सचिव को ये सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी प्रमुख अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता, शुल्क और दाखिले के लिए जिस अधिकारी से संपर्क करना हो उसका नाम एलईडी बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाए। अपने पत्र में उपराज्यपाल ने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि एलईडी बोर्ड पर जो सूचनाएं प्रदर्शित की जा रही हैं वे दिल्ली सरकार के ऐप पर उपलब्ध सूचनाओं से मेल खाती हों। इस कदम का उद्देश्य कोविड-19 महामारी के दौरान अस्पतालों में बिस्तर उपलब्ध कराने में पारदर्शिता बढ़ाना है। दिल्ली के सभी प्रमुख अस्पतालों, क्लिनिकों और नर्सिंग होम्स को निर्देश दिया गया है कि वे एलईडी बोर्ड पर बड़े अक्षरों में बिस्तरों की उपलब्धता से संबंधित जानकारी दें। इसमें कोविड और गैर कोविड बिस्तरों की संख्या की जानकारी देना भी जरूरी होगा। श्री बैजल ने कहा कि समय समय पर दिल्ली आपदा प्रबंधन अधिकरण के अधिकारियों को औचक निरीक्षण से ये सुनिश्चित करना चाहिए कि अस्पतालों के एलईडी बोर्ड पर दिखाई जा रही सूचनाएं सही हों और किसी भी रोगी को दाखिले से वंचित न किया जाए तथा निर्धारित राशि से अधिक शुल्क भी न वसूला जाए। इससे पहले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उनकी सरकार उपराज्यपाल अनिल बैजल के उस आदेश पर अमल करेगी जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय राजधानी में सरकारी और निजी अस्पतालों को स्थानीय निवासियों के लिए आरक्षित करने के उनके फैसले को उलट दिया था। श्री केजरीवाल ने कहा कि अगर मरीज अन्य राज्यों से इलाज के लिए दिल्ली आना शुरू करते हैं तो 31 जुलाई तक दिल्ली के अस्पतालों में 1.5 लाख बिस्तरों की आवश्यकता होगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीजीएचएस पैनल में शामिल और राज्य सरकारों द्वारा कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित सभी अस्पतालों को आदेश दिया है कि उन्हें सीजीएचएस लाभार्थियों को कोविड संबंधी उपचार उपलब्ध कराना होगा। सीजीएचएस पैनल में शामिल जो अस्पताल कोविड अस्पतालों के रूप में अधिसूचित नहीं है वो भी सीजीएचएस लाभार्थियों को उपचार या भर्ती करने से मना नहीं कर सकेंगे। ऐसे अस्पतालों को सभी अन्य उपचार के लिए सीजीएचएस नियमों का पालन करते हुए शुल्क वसूलने होंगे। दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने वाले अस्पतालों पर कार्रवाई करनी होगी।
इस संबंध में स्वास्थ्य मंत्रालय ने सीजीएचएस के पैनल में शामिल सभी स्वास्थ्य देखभाल संगठनों के लिए आज आदेश जारी किया। ये आदेश निजी अस्पतालों और सीजीएचएस के तहत अन्य निदान केंद्रों में उपचार कराने में परेशानी के संबंध में मिली शिकायतों की समीक्षा के बाद जारी किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्रूनेट मशीनों को इस महीने की 15 तारीख तक सभी 75 जिलों में लगाने का निर्देश दिया है। ये मशीनें राज्य में पहुंच रही हैं और इनकी मदद से रोगियों के परीक्षणों की संख्या में वृद्धि होगी। हमारे संवाददाता ने बताया है कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री ने गोवा से इन मशीनों को लाने के लिए अपने सरकारी विमान को वहां भेजा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज कहा कि ट्रूनेट मशीनों को कोविड-19 की जल्द जांच के लिए मंगाया गया है, जिससे गैर कोविड मरीजों के इलाज में तेजी आएगी। राज्य सरकार ने प्रतिदिन होने वाली कोविड जांचों की संख्या को इस महीने में बढ़ाकर 20,000 तक ले जाने का लक्ष्य रखा है। आज अपने आवास पर एक महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को कोविड और गैर कोविड अस्पतालों में जरूरी इंतजाम करने के आदेश दिए। उन्होंने राज्य के चिकित्सा शिक्षा मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को विभिन्न मेडिकल संस्थानों और जिला अस्पतालों से लगातार संपर्क में रहने और फीडबैक लेते रहने को कहा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश के पुलिस बल को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए सभी संभव कदम उठाए जाने चाहिए। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। राजस्थान सरकार ने एक राज्य से होकर आने जाने वाले वाहनों को विनियमित और नियंत्रित करने का फैसला किया है। राज्य के गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार राज्य में प्रवेश के लिए सुरक्षा संबंधी प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, लेकिन इसके लिए कोई पास जारी नहीं किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य से बाहर जाने वालों को पास लेने की जरूरत होगी, जिसे स्थानीय निकायों से प्राप्त किया जा सकता है। आज सुबह जारी आदेश में प्रदेश की सभी अंतर्राज्यीय सीमाओं को सील करने के निर्देश दिए गए। आदेश में कहा गया कि राज्य में प्रवेश करने या दूसरे राज्य में जाने के लिए पास जरूरी होगा। कुछ देर बाद संशोधित आदेश जारी किए गए, जिसमें कहा गया कि सीमाएं सील नहीं की गई है, बल्कि अंतर्राज्यीय आवागमन को नियंत्रित किया गया है। शाम को गृह विभाग द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए। कुल मिलाकर इन आदेशों से वर्तमान व्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। इस बीच राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा ने कहा कि पिछले 8 दिनों से कोरोना के औसत 268 केस रोजाना बढ़े हैं। श्री शर्मा ने कहा कि सरकार संक्रमण के तेजी से बढ़ने के कारणों की जांच भी करा रही है। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। मिजोरम में भारतीय स्टेट बैंक की SBI फाउंडेशन ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग को 11,94,000 रूपये के 600 व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE किट उपलब्ध कराए हैं। SBI के क्षेत्रीय प्रबंधन LP लाल चांगकीमा के नेतृत्व में बैंक के अधिकारियों ने ये PPE किट राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉ आर लालथन गिलियाना को भेंट किए। स्वास्थ्य मंत्री ने SBI के इस प्रयास की सराहना की और कहा कि ये कोविड-19 महामारी से लड़ने में मदद करेंगे। तमिलनाडु में DMK पार्टी विधायक जे अंबझगन का आज सवेरे कोविड-19 से निधन हो गया। वे 62 वर्ष के थे और आज उनका जन्मदिन भी था। उन्हें चेन्नई में एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। कई नेताओं ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। इस बीच तमिलनाडु में आज रिकॉर्ड संख्या में 1,987 नए मामले आने से कोविड-19 से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 36,841 हो गई। इनमें 1,392 मामले चेन्नई से हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। अपने साथ अपनों का ध्यान रखो, बड़े बुजुर्गों का तुम ध्यान रखो। महामारी से लड़ना है बहुत जरूरी, ज्यादा पास न जाना, रखो 2 गज दूरी। सुरक्षित दादा दादी नाना नानी अभियान, अपने साथ अपनों का ध्यान। ये आकाशवाणी है। एयर इंडिया ने वंदे भारत अभियान के तीसरे चरण के तहत यूरोपीय देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को स्वदेश लाने की उड़ानों के लिए टिकटों की बिक्री शुरू कर दी है। आवेदक को स्थानीय भारतीय दूतावास या उच्चायोग में अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद ये लोग एयर इंडिया की वेबसाइट से अपना टिकट खरीद सकते हैं। सरकार ने वंदे भारत अभियान के तीसरे चरण को नियमित वाणिज्यिक उड़ान शुरू होने तक जारी रखने की घोषणा की है। तीसरे चरण के तहत 9 जून से 30 जून तक
एयर इंडिया उत्तर अमरीका और यूरोप के लिए 300 उड़ानों का संचालन करेगी। मालदीव से 200 भारतीय मालदीवियन एयरलाइंस के जरिए भारत लाए गए हैं। पहली उड़ान 118 भारतीय नागरिकों को लेकर त्रिवेंद्रम गई, जबकि दूसरी उड़ान 82 भारतीय नागरिकों को लेकर चेन्नई आई है। इसके साथ ही वंदे भारत अभियान के तहत मालदीव से 3000 भारतीय लोगों को भारत लाया गया है। भारतीय उच्चायोग मालदीव में कंपनियों और व्यक्तिगत समूहों के लिए चार्टर्ड उड़ानों का भी प्रबंध करने में मदद कर रहा है। मालदीव में 20,000 से अधिक भारतीय हैं और 5,000 से अधिक लोगों में स्वदेश वापसी के लिए पंजीकरण कराया है। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि इस महीने की 30 तारीख तक खाड़ी देशों में फंसे भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 58 और उड़ानें शुरू की गई हैं। एक ट्वीट में श्री पुरी ने कहा कि वंदे भारत अभियान के तीसरे चरण के तहत कल से 107 की जगह 165 उड़ानें संचालित की गई हैं। श्री पुरी ने कहा कि तीसरे चरण में 30 जून तक यूरोप के लिए 80 उड़ानें संचालित की जाएंगी। इसमें 2 उड़ानें लंदन और 2 अन्य यूरोपीय देशों के लिए होंगी। उन्होंने कहा कि पहली घोषणा के अनुसार 70 उड़ानों के अलावा 10 और उड़ानें अमरीका और कनाडा के लिए शुरू की गई हैं। विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि समय से लिए गए लॉकडाउन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्णय ने देश में कोविड 19 महामारी के फैलाव को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वे आज नई दिल्ली से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए एक रैली को संबोधित कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कोरोना वायरस से सर्वाधिक प्रभावित 15 देशों में तकरीबन 4,04,396 लोगों की मृत्यु हुई है, जबकि भारत में कोरोना वायरस से मात्र 7,745 लोग मारे गए हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी आबादी के बावजूद भारत महामारी को नियंत्रित करने में सफल रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न केवल गरीबों के लिए 1.70 लाख करोड़ रुपए का पैकेज घोषित किया है, बल्कि अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा 20 लाख करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी दिया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि दुनिया के सर्वाधिक ताकतवर देशों के नेताओं ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सशक्त नेतृत्व को स्वीकार किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े? महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी, टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क, काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, तो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हरा कर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी और उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। देश में पहली बार कोविड 19 से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से अधिक हुई। ठीक होने की दर बढ़कर 48.88%। दिल्ली के अस्पतालों को बिस्तरों की उपलब्धता और चिकित्सा खर्च का ब्यौरा एलईडी बोर्ड पर दर्शाने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वागजन आग की दुर्घटना से निपटने के लिए असम के मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मालदीव में फंसे 200 प्रवासी भारतीय आज स्वदेश पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड सरकार के साथ केदारनाथ मठ विकास और पुनर्निर्माण परियोजना की समीक्षा की और श्रीलंका में संसदीय चुनाव अब 5 अगस्त को होंगे। इस महीने की 15 तारीख तक चलने वाली मेरा जीवन मेरा योग वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में प्रविष्टियां भेजने के लिए लोगों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले महीने 31 मई को आकाशवाणी से प्रसारित मन की बात कार्यक्रम के दौरान इस प्रतियोगिता की घोषणा की थी। श्री मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच दुनिया ने योग और आयुर्वेद में गहरी रुचि दिखाई है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जल्द ही आने वाला है। योग जैसे जैसे लोगों के जीवन से जुड़ रहा है, लोगों में अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता भी लगातार बढ़ रही है। कोरोना संकट के इस समय में योग आज इसलिए भी ज्यादा अहम है क्योंकि ये वायरस हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को सबसे अधिक प्रभावित करता है। योग में तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत करने वाले कई तरह के प्राणायाम है जिनका असर हम लंबे समय से देखते आ रहे हैं। ये टाइम टेस्टेड टेक्निक्स हैं जिसका अपना अलग महत्व है। इस प्रतियोगिता का आयोजन आयुष मंत्रालय और भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 के अवसर पर लोगों में योग के प्रति रुचि बढ़ाने और उनकी सक्रिय भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। COVID-19 महामारी के मद्देनजर इस साल का अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मनाया जाएगा जिसमें कोई सामूहिक सभा नहीं होगी। इस साल की थीम योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली होगी। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में ICCR के अध्यक्ष डॉ विनय सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि दुनिया भर में लोग माई लाइफ माई योगा की वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि हजारों प्रविष्टियां प्राप्त हो रही हैं जिनमें लोग खुशी खुशी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। इसकी खूबी यह है कि योग के जो साधक है वो अपने अनुभव के आधार पर योग की उपयुक्तता, परिणामकारकता, योग का न केवल स्वास्थ्य पर मगर मनुष्य जीवन पर प्रभाव, इसको दर्शाएंगे, एक दृष्टि से सिद्ध करेंगे, उसके सबूत इकट्ठा करेंगे। और मैं मानता हूं कि योग के आंदोलन को, जो एक वैश्विक आंदोलन हो चुका है, और मजबूत करने में बहुत योगदान होगा। हमारे संवाददाता की रिपोर्ट है कि प्रतियोगिता के लिए प्रविष्टियां इस महीने की 15 तारीख तक जमा की जा सकती हैं। इस प्रतियोगिता में 18 वर्ष के कम आयु के युवक और युवती सहित 18 वर्ष से अधिक आयु की महिला एवं पुरुष तथा योग प्रशिक्षक भाग ले सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को 3 मिनट का वीडियो बनाना होगा जिसमें योगासन से होने वाले लाभ का भी जिक्र हो। इसके बाद इस वीडियो को आयुष मंत्रालय, देश का नाम और माई लाइफ माई योगा को हैशटैग कर ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड करना होगा। भारत के प्रतिभागियों में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को 1,00,000 रुपए का पुरस्कार, द्वितीय स्थान के लिए 50,000 और तृतीय स्थान के लिए 25,000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम पुरस्कार के लिए $2,500, द्वितीय स्थान के लिए $1,500 और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले विजेता को $1,000 की राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी। साथ ही उन्हें ट्रॉफी और प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आयुष मंत्री श्रीपद यशो नाइक ने कहा है कि इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस लोग घर पर ही रहकर मनाएंगे। इस बार जो कार्यक्रम होगा वो अपने घर में ही होगा और इसी से हम इस साल का इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाएंगे। कई कार्यक्रम इसके ऊपर हमने रखे हुए हैं। एक जो वीडियो वाली स्पर्धा हमने रखी हुई है, योग करते हुए जो छोटा सा वीडियो रिकॉर्डिंग करके ये ब्लॉग वहाँ भेज देगा और योग के बारे में क्या फायदे है जो बताएगा, उसको हमने 1,00,000 का प्राइज रखा हुआ है। एक तो योगा को प्रमोट करने का ये काम है। मैं सभी को अपील करूंगा कि जहाँ आप होंगे इंटरनेशनल योगा डे वहाँ ही मनाइए और इस प्रतियोगिता में शामिल होकर योगा डे में आप सम्मिलित हो जाइए। आयुष मंत्रालय प्रसार भारती के सहयोग से रोजाना कॉमन योगा प्रोटोकॉल कार्यक्रम का कल से दैनिक प्रसारण करेगा। ये कार्यक्रम सुबह 8 बजे से 8:30 बजे तक प्रसारित किया जाएगा और ये मंत्रालय के सोशल मीडिया मंचों पर भी उपलब्ध रहेगा। इसमें योग संबंधी सभी प्रोटोकॉल को प्रदर्शित किया जाएगा। इसका उद्देश्य लोगों को योग के बारे में जानकारी उपलब्ध कराना है। इस कार्यक्रम से दर्शक योग के विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी हासिल कर सकेंगे और अपने दैनिक जीवन में इन्हें अपनाकर फायदा उठा सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उत्तराखंड सरकार के साथ केदारनाथ मठ विकास और पुनरुद्धार योजना की समीक्षा की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार को केदारनाथ और बद्रीनाथ जैसे पवित्र स्थानों का इस तरह से विकास करना चाहिए कि वे समय की कसौटी पर खरा उतरें और पर्यावरण के भी अनुकूल हों। उन्होंने कहा कि पर्यटकों की कमी का लाभ उठाते हुए और पारस्परिक दूरी का भी ध्यान रखते हुए इस योजना के बाकी बचे हुए काम को पूरा कर लिया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने रामबन से लेकर केदारनाथ तक धरोहर और धार्मिक क्षेत्र के विकास का भी निर्देश दिया।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने इस चर्चा में भाग लिया। उत्तराखंड में चार धामों बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री की तीर्थ यात्रा इस महीने की 30 तारीख से पहले शुरू नहीं हो सकेगी। इसमें उत्तराखंड के सिर्फ 3 जिलों चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी के तीर्थ यात्रियों को ही सीमित संख्या में शामिल होने की इजाजत होगी। पुजारियों और तीर्थ पुरोहितों ने इस फैसले का स्वागत किया है। तीर्थ यात्रा शुरू करने के बारे में अंतिम फैसला 30 जून के बाद लिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम में बाघजन आग की दुर्घटना से निपटने के लिए मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया है। उन्होंने आज मुख्यमंत्री से बातचीत की और इस त्रासदी के मद्देनजर स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है। श्रीलंका में संसदीय चुनाव अब 5 अगस्त को होंगे। कोविड संकट के कारण 2 बार चुनाव स्थगित होने के बाद नई तारीख तय की गई है। 2 मार्च को श्रीलंका की संसद भंग कर दी गई थी और संसदीय चुनाव 25 अप्रैल को आयोजित कराया जाना था, लेकिन कोविड 19 के प्रकोप के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। श्रीलंका में चुनाव कराने के लिए नए स्वास्थ्य निर्देश जारी किए गए हैं, जिसके तहत चुनावी रैलियों में 500 से ज्यादा लोग भाग नहीं ले सकते हैं। साथ ही उम्मीदवारों को प्रचार के लिए मीडिया के साथ साथ प्रचार सामग्री आदि के उपयोग की सलाह दी गई है। ज्ञात हो कि श्रीलंका की संसद को उसका कार्यकाल पूरा होने से 6 महीने पहले ही भंग कर दिया गया था, ताकि प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे की अगुवाई वाली सरकार को पूर्ण बहुमत मिल सके, लेकिन कोरोना की वजह से चुनाव तिथि 2 बार स्थगित करनी पड़ी। विपक्षी दलों ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष चुनाव स्थगित कर पुरानी संसद को बहाल करने की गुहार की थी, जिसे अदालत ने पिछले सप्ताह अस्वीकार कर दिया था। श्रीलंका में पिछले 1 महीने से ज्यादा की अवधि में सामान्य आबादी में कोरोना का कोई मामला सामने नहीं आया है और देखना ये होगा कि चुनाव क्या सुचारूपूर्ण संपन्न हो पाते हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए कोलंबो से संतोष कुमार। आकाशवाणी पर विशेषज्ञों की सलाह के अंतर्गत कोविड 19 के बारे में जाने माने चिकित्सा विशेषज्ञों की राय प्रसारित की जाती है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के फेफड़ों से संबंधित विभाग के प्रमुख डॉ अनंत मोहन ने लोगों को हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन जैसी मलेरिया रोधी दवाएं डॉक्टर के परामर्श के बिना न लेने की सलाह दी है। प्लीज डू नॉट टेक मेडिसिन सच एज एजिथ्रोमाइसिन, अदर एंटीबायोटिक्स, एंटीवायरल्स और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन और अदर एंटी मलेरियल्स विदाउट अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन बाय अ डॉक्टर। डू नॉट सेल्फ मेडिकेट। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी जेसिंटा गुंजियाल ने कोरोना वायरस संक्रमण की श्रृंखला को तोड़ने की आवश्यकता पर जोर दिया है। Social distancing is a non-pharmaceutical infection prevention and control intervention to break the chain of infection. सरकार ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही इन खबरों को खारिज किया है कि गृह मंत्रालय हवाई और रेल सेवाओं को निलंबित कर सकता है और 15 जून से देशव्यापी लॉकडाउन फिर लागू की जा सकती है। पत्र सूचना कार्यालय ने लोगों से इस तरह की भ्रामक रिपोर्टों से सावधान रहने को कहा है और ऐसी अफवाहें फैलाने वालों को भी चेतावनी दी है। केंद्र सरकार ने व्हाट्सएप पर चल रहे उस संदेश का भी खंडन किया है, जिसमें दावा किया गया है कि प्रत्येक नागरिक को राहत के रूप में 7,500 रूपये दिए जाएंगे। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि क्लिकबैट फर्जी लिंक है। कार्यालय ने ऐसे फर्जी वेबसाइट और व्हाट्सएप संदेशों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज फोन इन कार्यक्रम में कोविड 19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज नई दिल्ली में मेडिसिन के प्रोफेसर डॉ मधुर यादव चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता स्टूडियो में सीधे फोन कर विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। नंबर है 0112331444। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800115767। ये कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड चैनल और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक प्रोफेसर बलराम भार्गव ने कहा है कि बहुत कम समय में भारत ने कोविड 19 के लिए अपनी परीक्षण क्षमता में जबरदस्त इजाफा किया है। उन्होंने आकाशवाणी के साथ एक विशेष बातचीत में कहा कि परिषद तथा अन्य संस्थान कोविड 19 के इलाज और दवाई विकसित करने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। कोरोना की रोकथाम में आईसीएमआर की भूमिका ये रही कि जनवरी में हमारे पास एक लेबोरेटरी थी जांच करने के लिए। हम लोग ने धीरे धीरे बढ़ा के
823 करीब लेबोरेटरी पूरे देश में बना दिए हैं। 50 लाख टेस्ट हो चुके हैं आज की तारीख तक, दिन में कोई 1,40,000 टेस्ट हो रहे हैं। दूसरा, आईसीएमआर की कुछ ट्रायल्स चल रही हैं कई रिपर्पज ड्रग्स पे या रिपर्पज्ड प्लाज्मा पे, जिसका हम लोग देख रहे हैं कि इससे कुछ फायदा होता है कि नहीं फायदा होता है। तीसरा, अनुसंधान कर रहे हैं कुछ वैक्सीन के डेवलपमेंट में। और चौथा, हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज में और सीरा में भी कुछ एंटीबॉडीज यदि हम लोग पा सकते हैं। इन सब क्षेत्रों में अनुसंधान हो रहा है। पूरा साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे आकाशवाणी के स्पॉटलाइट कार्यक्रम में सुना जा सकता है। ये साक्षात्कार हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर भी उपलब्ध होगा। जाने माने फिल्म अभिनेता ऋतिक रोशन ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना संक्रमण से बचने के लिए सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। आज हम सब एक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस एक ऐसी सच्चाई है जो जोरों से फैल रही है। इस सच्चाई से हम मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। हमें इसका सामना करना है और सामना करने के लिए कुछ कदम हैं जो हम उठा सकते हैं जो इस महामारी को रोक सकती हैं। सबसे पहला कदम है साबुन से अपने हाथों को धोएं हर एक घंटे पे। ये बहुत ही एक आसान रास्ता है इस महामारी को रोकने का, प्लीज कीजिए। दूसरा कदम है सोशल डिस्टेंसिंग का। एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी पर रहें। आइए थोड़ा जिम्मेदार बनते हैं। और अब एक नजर कल के मौसम पर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अधिकतम तापमान 41 डिग्री और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश या बौछारें भी पड़ सकती हैं। मुंबई में भी आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और शाम तथा रात को वर्षा या गरज के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। न्यूनतम और अधिकतम तापमान 26 और 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। दक्षिण की ओर चले तो चेन्नई में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे, हल्की वर्षा भी हो सकती है। तापमान 29 और 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में जम्मू में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे और बारिश भी हो सकती है। श्रीनगर में भी आंशिक तौर पर बादल छाए रहेंगे, कुछ स्थानों पर वर्षा होने, गरज के साथ बौछारें पड़ने या धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना है। यहां अधिकतम तापमान 29 और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। गिलगित में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और गरज के साथ छींटे पड़ने या धूल भरी आंधी आने की संभावना है। यहां का तापमान 17 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। उधर मुजफ्फराबाद में भी आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और वर्षा होने, गरज के साथ छींटे पड़ने या धूल भरी आंधी आने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 16 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। साख निर्धारण संस्था S&P ने भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ स्थिर रखते हुए BBB+ निर्धारित की है। उसने कहा है कि अर्थव्यवस्था की विकास दर का खतरा बढ़ रहा है और मौद्रिक स्थिति स्थिर रहेगी। अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत 2021 के बाद दिखाई देंगे। दुनिया के शेयर बाजारों से मिले जुले संकेतों के बीच आज घरेलू शेयर बाजार में तेजी दिखाई दी। दिन भर के कारोबार में बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक 290 अंक बढ़कर 34,247 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 70 अंक की बढ़त के साथ 10,116 पर पहुंच गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में पहली बार COVID-19 से स्वस्थ हुए रोगियों की संख्या संक्रमित व्यक्तियों से अधिक हुई। ठीक होने की दर बढ़कर 48.88%। दिल्ली के अस्पतालों को बिस्तरों की उपलब्धता और चिकित्सा खर्च का ब्यौरा LED बोर्ड पर दर्शाने का निर्देश दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाघजन आग की दुर्घटना से निपटने के लिए असम के मुख्यमंत्री को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। मालदीव में फंसे 200 प्रवासी भारतीय आज स्वदेश पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड सरकार के साथ केदारनाथ मठ विकास और पुनर्निर्माण परियोजना की समीक्षा की। और श्रीलंका में संसदीय चुनाव अब 5 अगस्त को होंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।